हमारे मत में श्री राम जी धरती से गए ही नहीं, आज भी जानकी कुंड में भगवान के चरण चिन्ह है। सीता जी के पायल की छन छन ध्वनि सुनाई पड़ती रहती है। व्याख्या उसी प्रकार करता हूँ जैसा एक पिता एक छोटे से नन्हे मुन्ने को जुदार करके व्याख्या करता है। पहले भी राम जी थे, आज भी भगवान राम हैं और पश्चात भी भगवान राम रहेंगे। बचपन को प्रबुद्ध करो, यौवन को शुद्ध करो और वृद्धावस्था को सिद्ध करो। अयोध्या वासिनः सर्वे जगन्नाथस्य मूर्तयः। वहाँ कोई मरा ही नहीं राम जी के समय, अल्प मृत्यु नहीं करुणी पीरा, सब सुंदर सब वीर शरीरा, सब गुणज्ञ सब पंडित ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयाना, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध नरचन ही ना। वहाँ किसी की अल्प मृत्यु थी ही नहीं, चार लोग सबको भगवान राम ने अमरत्व दिया अयोध्या में, प्रजा सहित रघुवंश मन किम गमने नहीं। हमारे मत में श्री राम जी धरती से गए ही नहीं, यही एक ऐसा अवतार है जो कभी धरती से नहीं जाता। लोग भ्रम में पल जी रहे हैं। सभी अवतारों की श्राद्ध कथा पुराणों में वर्णित है, पर जब राम जी धरती को छोड़कर गए ही नहीं, शरीर छूटा ही नहीं, तो उनकी श्राद्ध की कथा कैसी? इसे राम जी की कोई श्राद्ध की कथा नहीं आती, कोई श्राद्ध तर्पण राम जी के लिए नहीं आता। पहले भी राम जी थे, आज भी भगवान राम हैं और पश्चात भी भगवान राम रहेंगे। वाल्मीकि का उत्तरकांड प्रक्षिप्त है मेरे मत में, और यही प्रमाण भी है। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। वो अनादि हैं, नित्य निरंजन सुख संदोहा, नित्य है निरंजन है, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत वश कौशल्या की गोद। आज भी जानकी कुंड में भगवान के चरण चिन्ह हैं, वनदेवी मंदिर में भगवान के चरण चिन्ह हैं, और स्फटिक शिला में जयंत को जो दंड दिया था आज भी उसी प्रकार के चरण चिन्ह हैं। और जहां आप बैठे हैं इसका नाम है तुलसी पीठ। यहीं पर भगवान राम को मनाने आए हुए अवधि अयोध्या वासियों का यहीं पर शिविर था। यहीं पर सुनैना जी कौशल्या जी से मिलने आई थी, तो चित्रकूट के तो एक एक पत्थर पर भगवान के चरण चिन्ह बने हुए हैं। श्री राम का प्रत्येक चरित्र मर्यादामय है, और श्री राम को एक यदि मैं एक क्रिकेटर के रूप में उपमित करूं तो अधिक समीचीन होगा। जैसे क्रिकेटर, अच्छा क्रिकेटर जब बैटिंग करता है तो वो एक एक रन के लिए दौड़ता है और चौके लगाता है, छक्के लगाता है, तो भगवान राम कभी एक एक रन के लिए नहीं दौड़े, कभी चौके पर संतोष नहीं किया, उन्होंने प्रत्येक बार छक्के ही लगाए। ऐसे उनके 100 करोड़ चरित्र हैं। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एक एकम अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। तो ऐसे 100 करोड़ चरित्र हैं भगवान राम के, जन्म से लेकर विश्राम पर। हमारे यहाँ विश्राम होता है, हमारे यहाँ कभी भी अंत नहीं होता। आप मानस में देखे बाल का 9 विश्रामों में कथा है। विश्राम का अर्थ आप जानते हैं ना, विश्राम का अर्थ होता है कार्य को थोड़ी देर तक आराम करना, रेस्ट लेना। तो जो उनका शरीर नहीं छूटा हो तो केवल विश्राम कर लेते हैं, तो कथाओं का विश्राम होता है। विश्राम स्थान में एकम कविवर विश्राम जीवनम सज्जना। संपूर्ण भारतवासियों के ही कहूँगा, राम के राम सापेक्ष राष्ट्रवाद ही हमारी नीति है। श्री राम को आदर्श मानकर ही हम भारत को विकसित भारत बना सकते हैं। श्री राम को आदर्श मानकर ही हम भारत को स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत बना सकते हैं।
श्री राम को आदर्श मानकर ही भारत को हम तीन अर्थव्यवस्थाओं में एक स्थान दिला सकते हैं। अब हम पांचवी अर्थव्यवस्था तो हम बन ही गए, अब तीन बनना है। तो मैं तो यही कहूँगा बच्चों से, बच्चों के लिए भगवान राम का संदेश है, बचपन को प्रबुद्ध करो, सो मत पहो, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। यौवन को शुद्ध करो, जवानी को दूषित मत होने दो। जैसे भगवान राम का यौवन कितना पवित्र है। भगवान राम कहते हैं कि मुझे अपने मन पर विश्वास है कि उसने सपने में भी पराई नारी पर दृष्टि नहीं डाली। तो युवकों के लिए मेरा संदेश है कि अपने चरित्र को इतना पावन कर दें कि जिनकी पावनता देखकर गंगा जी को भी ईर्ष्या होने लग जाए। और वृद्धावस्था को सिद्ध करो, तीन इसे, बचपन को प्रबुद्ध करो, यौवन को शुद्ध करो और वृद्धावस्था को सिद्ध करो। बस मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशत अजीर बिहारी। जय श्री राम।